कराने का जोश और खरोश लेकर के आप सब यहाँ पर आए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मुझे विश्वास है कि आप सब जमानत जब्त करा देंगे सपा बसपा वालों ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके लोकप्रिय चहेते सांसद और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के मंत्रिमंडल के सदस्य, गरीबों, किसानों, मजदूरों के तो हमदर्द हैं ही, कार्यकर्ताओं के सम्मान में भी हर समय मैदान में डटे रहने वाले हमारे मित्र श्री कौशल किशोर जी को मैं अग्रिम बधाई अपनी ओर से और आप सबकी ओर से 2024 में संसद में रिकॉर्ड वोटों से चुन करके जाने के लिए देता हूं। हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनय प्रताप जी पुराने कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, लगातार आप सबके साथ लगे रहते हैं, उनके नेतृत्व में भी रिकॉर्ड बने ऐसी मैं आप सबसे अपील करता हूं। हमारे यहाँ के प्रभारी और संयोजक श्री सूर्यनारायण तिवारी जी और अरुण सिंह जी, यह दोनों लोगों की जोड़ी भी यहाँ लगातार आप सबके संपर्क में है और लगातार प्रयास कर रही प्रयास ना। हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जी जय देवी जी, मैंने उनसे कहा है भाई, मैंने इस बार हर विधानसभा में 1,00,000 पार इस बार कमल का फूल खिलाना है, जितना विरोधियों को वोट मिले उससे 1,00,000 के अंतर से यहाँ जिताने का काम करना है, करा लोगे? सब लोग इधर वाले डर रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बताओ 1,00,000 पार करा लोगे? अभी कल मैं मनीष रावत जी की विधानसभा में गया था सिधौली, कल गया था परसों गया था परसों गया था तो वहां भी मैंने कहा 1,00,000 पार, अर्थात अब की मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा 5,00,000 पार करना है और हर विधानसभा 1,00,000 पार करने का लक्ष्य पूरा करेगी। आज मलियाबाद वाले ये लक्ष्य को लेकर के आज से डट जाइएगा। हमारे मोहनलालगंज के जो सम्मानित विधायक हैं श्री अमरेश रावत जी, अमरेश जी आपके ऊपर भी यही जिम्मेदारी है। वैसे मलियाबाद तो मैं हर बार आ पाता हूँ, हर बार मोहनलालगंज नहीं पहुंच पाता हूं जब भी चुनाव होता है, लेकिन इस बार मैं बताए दे रहा हूं 4 जून के बाद मलियाबाद में आम खाने भी आऊंगा, खिलाओगे ना? हमारे योगेश शुक्ला जी, हमारे बीकेटी के विधायक, हमारे जो विधान परिषद में सदस्य साथी हैं, ऊर्जावान हैं, जिनका भव्य मंदिर बन गया है, जो उनका भी उन्हीं के नाम से नाम है, ऐसे हमारे श्री रामचंद्र प्रधान जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने मुझे पर्ची पकड़ा दिया था पहले कि इस बूथ अध्यक्षों के साथ आम पार्टी होनी है, मैं तो पहले ही कहने वाला था लेकिन आपने लिख के दे दिया, इसलिए मैं जरूर कह दे रहा हूँ और जरूर आऊंगा, ये भी पक्का बता दे रहा हूँ, ठीक है? हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, श्री कृष्ण जी बहुत मेहनत करनी है आपको, पूरा हनुमान जी वाली ताकत दिखानी, ध्यान रखना इनका, ठीक है? हमारे विस्तारक विवेक दीक्षित जी, विधानसभा के प्रभारी संयोजक अभिषेक रावत जी और अरविंद शर्मा जी, हमारे विकास किशोर आसू जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बलराम वर्मा जी, रामविलास रावत जी, अरविंद यादव जी, सचित्र यादव जी और बहुत कुशल संचालन कर रहे हमारे बड़े प्रिय हैं श्री विजय मौर्या जी। यहाँ नाम बहुत लंबी सूची है हमारे यहाँ मौजूद श्री राम कुमार राही जी और हमारे शिशिर यादव जी, निर्मल वर्मा जी, रोहित साहू जी ककोरी के हमारे चेयरमैन, हमारे मीनू वर्मा जी प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, श्री धीरू पांडे जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष नेकपाल यादव जी, मंडल अध्यक्ष हमारे मंडल अध्यक्षगण हैं नेकपाल यादव जी और देवेंद्र सिंह जी, आशीष द्विवेदी जी, रविराज लोधी जी, हमारे शुभम जी, अरविंद शर्मा जी,
यहाँ सब दोबारा नाम लिख रहे हो भैया, विनय अवस्थी जी मंडल के प्रभारीगण हैं, राजेश सिंह जी, मुकेश गुप्ता जी, अंजू सिंह जी प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, ज्ञान सिंह जी और प्रशांत तिवारी, बलराम वर्मा जी। अब बहुत नाम लूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मुझे आज आप लोग हेलीकॉप्टर से बुला लिए हो, उसी से वापस जाना है। तो आप सभी यहाँ पर मंच और मंच के सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्राणप्रिय कार्यकर्ता मैं कहा करता हूँ, हनुमान जी हूँ नहीं कि छाती फाड़ के दिखा सकूँ, लेकिन मेरे हृदय में अगर फाड़ के दिखाने की क्षमता होती सदा कार्यकर्ता ही रहता, और मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को ये कहना चाहता हूँ, 2024 का लोकसभा चुनाव हमने बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत चुनाव जीते हैं, अभी बहुत सारे चुनाव जीतेंगे भी, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव यह मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब के लिए सबसे बड़ा चुनाव है, और इस सबसे बड़े चुनाव में अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को आपके सामने उल्लिखित करूं, तो अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की हवा चल रही थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की आंधी चल रही थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का तूफान चल रहा है कि नहीं चल रहा, दोनों हाथ उठा बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जब 2024 में तूफान चल रहा है तो उस तूफान के सामने टिकने की औकात सपा बसपा कांग्रेस में है क्या? सपा तो सपा है, आजकल सपा वाले बड़े बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, कांग्रेस तो यहां है नहीं लेकिन गठबंधन के रूप में है, कांग्रेस बौखलाई हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से गाली गलौज उनके प्रति है, इतने अपशब्दों का प्रयोग शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता के प्रति नहीं हुआ होगा जितने मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हुआ, और वह इसलिए नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई गलत काम किया, मैं यह मानता हूं कि वह इसलिए हुआ है कि जो सत्ता के शिखर पर पहुंच करके सदा सत्ता में कब्जा रखना चाहते थे, वो एक गरीब माँ बाप के बेटे को, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले एक ऐसे परिवार के सदस्य को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार उनका एक ही लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, मोदी हटाओ। अरे भैया क्यों मोदी जी को हटाना चाहते हो? अगर पूछो क्यों हटाना चाहते हो? इसलिए कि वो देश में गरीबों की मदद कर रहे हैं, देश में किसानों की मदद कर रहे हैं, देश का उज्जवल भविष्य निर्माण कर रहे हैं, देश में महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देने का काम कर रहे हैं, 60 करोड़ से अधिक लोग, आप सबके आसपास में कोई ना कोई होगा, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दे रहे हैं। कब से कितने लोग बीमारी पाले रहे होंगे, जब आयुष्मान कार्ड मिला होगा तब उन्होंने इलाज कराया होगा, ऐसे तमाम परिवार होंगे, ये मैं भी जानता हूं क्योंकि उसी बैकग्राउंड का मैं भी। और ऐसे नेता को जिनके बारे में कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर या नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, और ऐसे नेता के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए यह सपा बसपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन और भाजपा विरोधी दलों के नेता केवल इसलिए बौखलाए हो कि तुम 100 रुपया में से 85 रुपया खा जाते थे, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आप सब लोगों ने बना दिया 2014 में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक के खाते खोल दिए, 34 लाख करोड़ भेजा मेरे भाई बहनों, 2014 से 2024 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खाते में भेजा है। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 34 लाख करोड़ में से केवल 5 लाख करोड़ लोगों को मिलता, 29 लाख करोड़ रुपया ये बेईमान लूट ले जाते, खा जाते, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते। और आज मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम गरीबी से मुक्त भारत बनाएंगे, जिसने भी मेरे गरीबों को लूटा है, मेरे देश को लूटा है, पाई पाई वसूल करके उसी गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगा दूंगा। इसे सारे विरोधी नाराज हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे,
आप बताओ ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं? दोनों हाथ उठाकर बताओ, रोक सकते हैं? और नहीं रोक सकते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। और जब हवा और आंधी की जगह तूफान चल रहा हो तो जितनी जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री जी की है, जितनी जिम्मेदारी मेरे कौशल किशोर जी की है, जितनी जिम्मेदारी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की है, हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बूथ अध्यक्षों की है। क्योंकि 2024 की लोकसभा चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, अब की बार 400 बार ये नारा लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इस नारे को सफल बनाने के लिए क्या करना है? इस नारे को सफल बनाने के लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। 400 पार तो हो जाएगा, लेकिन कमल का बटन दबाने के बाद हो जाएगा। अगर हम ये समझे 400 तो जीत ही रहे हैं, अगर हमारे बूथ में थोड़ा कम वोट भी पड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे मित्रों, फर्क पड़ेगा। अगर 2014, 2017, 2019, 2022 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपने जितने वोट पाए हैं, उस वोट में 370 वोट प्रत्येक बूथ में बढ़ाना है, क्योंकि आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी ने 370 हटाया। बढ़ाओगे 370 वोट? बढ़ा लोगे? जिनको लगता है बढ़ा लेंगे, सब हाथ उठाकर मुझे बताओ जरा। सब लोग बड़ा देख लेना, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और मैं आम की पार्टी के लिए कहा उसके लिए भी, और आपको भी कोई पार्टी देकर के बुलाऊंगा मैं अपने आवास पर। लेकिन मैं समझ लेना, उसी बूथ अध्यक्ष को, उसी बूथ की टीम को बुलाऊंगा जो पिछली बार या जो पिछले चुनाव में सबसे अधिक वोट जिस चुनाव में मिला होगा उसमें 370 प्लस कर देगा। करोगे? अब ये प्रतियोगिता है, कई लोग कहेंगे मैं तो 370 से ज्यादा वोट और डलवा दूंगा, कई लोग कहेंगे हम 500 से ज्यादा डलवा सकते हैं। अरे डलवा दो, 500 साल बाद रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए, डलवा दो 400-500 पार। आप यह चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, 2024 की लोकसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है। इसलिए नहीं घबराया कि वो केवल सत्ता में नहीं आ रहा है, इसलिए घबराया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10 वर्ष जो देखा है वो ट्रेलर है, असली पिक्चर 4 जून 400 पार करने के बाद दिखाया जाएगा। अब जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? दोनों हाथ उठाकर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? वो सब जो जमानत पर है वो इसी चिंता में कि जेल में उनका फाटक खुलने वाला है, उनको जेल जाने का समय आ गया है, इसलिए वो सब मिलकर के विरोध कर रहे हैं। आप विश्वास रखना, 4 जून को 400 पार होते ही कई बड़े बड़े काम है। इस देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये भाषण का हिस्सा नहीं होगा, भारत से भ्रष्टाचार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अभी श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी या जितने भी नेता, इन सबको ये पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नेता है जो कभी ये नहीं कहता कि कहते तो आपका परिवार कौन है, पूरा भारत मेरा परिवार। तो परिवारजनों कहते कि नहीं कहते, सुनते कि नहीं सुनते आप लोग? तो 2024 की लोकसभा चुनाव में मैं आप सभी लोगों से यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव को सबसे बड़ा अपने जीवन की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव मानिए। ये एक पीढ़ी के लिए नहीं है, ये आने वाली अनेक पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। इस देश से गरीबी मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? कौन मिटा सकता है? मोदी जी मिटा सकते हैं। और गरीबी हटाओ का नारा अनेक बार कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन गरीबी हटने की जगह गरीबी बढ़ती गई, और मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उनको मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया है संकल्प पत्र के माध्यम से कि 2024 में सरकार बनने के साथ ही
इस देश के अंदर कई बड़े काम होने, एक देश में 140 करोड़ लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए कि अलग अलग कानून होना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारी सरकार तीसरी बार बनने के बाद हम इस देश में सामान्य नागरिक संहिता भी लाने का काम करेंगे, जिसमें सबके लिए एक जैसा कानून होगा। 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हर 70 साल या इससे अधिक का बुजुर्ग करा सकेगा, इसकी सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने की गारंटी दिया। अभी 2022 में आपने विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान किया, अब फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आ गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया, देश भर से पूछा क्या एक देश में 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए कि बार बार चुनाव होना चाहिए, बताओ एक बार होना चाहिए 5 साल में कि बार बार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमारा किसान कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनना चाहिए। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ दीदियों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ही 1 करोड़ 20 लाख दीदियां समूह से जुड़ी हुई हैं। हम तो किसी भी कीमत में चाहते हैं कि हर गरीब परिवार से समूह के अंदर जुड़ी हुई दीदी लखपति दीदी बने। हर नौजवान के उज्जवल भविष्य के लिए जो रोजगार करना चाहे उसके द्वार खुले हों, उसके लिए द्वार सरकार के खुले हों। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार दोनों सरकार आपकी है, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 2047 तक देश और प्रदेश में कमल का फूल खिला रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। आपको भी विश्वास है कि नहीं विश्वास है? 2047 तक जब तक विकसित भारत नहीं बन जाएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में हमारी ही सरकार रहेगी, विश्वास रखना, क्योंकि हम देश की सेवा ईमानदारी से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं। भारत माता की। मेरे भाई बहनों, 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली, पूरी दुनिया देख रही कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, यहां श्री कौशल किशोर जी नहीं लड़ रहे हैं, ध्यान रखना, यहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके प्रत्याशी हैं, यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके प्रत्याशी हैं, यहां केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी है, ये ध्यान में रखना मेरे भाई बहन। इसे हर बूथ पर आपकी ताकत को भी मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह शक्तिशाली है। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने यहां से कौशल किशोर जी को जितवा के भेजा और मैं भी फूलपुर लोकसभा से सांसद बनकर के गया था, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश एक अराजक प्रदेश के रूप में जाना जाता था, गुंडागर्दी अपराध माफियागिरी चरम सीमा पर थी। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, केशव जी आपको उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। मैंने कहा आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ होगा तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में सपा की साइकिल को पंचर नहीं बल्कि उसको भ्रष्ट करके उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर खदेड़ दूंगा, और आप सबने आशीर्वाद दिया, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। 2014 भी जिताया, 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 विधायक जिताए, सपा बसपा का वजूद खत्म कर दिया, आज ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों आईसीयू में पड़े हुए हैं, ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए इनको, गुंडागर्दी फिर से वापस नहीं आनी चाहिए, माफियागिरी फिर से वापस नहीं आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी विधानसभा में बहस के दौरान संयम नहीं रख सके, इतना अहंकार, मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में, मेरे बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया, उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, उनके चाचा शिवपाल यादव जी, सब सीधा निशाना बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इतने नाराज हो? 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने तुम्हारी सरकार रहते हुए तुम्हें उखाड़ करके फेंक दिया, इसे निशाना बनाते हो?
गाली देते हैं बार बार, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहता। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मेरे संस्कार हैं, लेकिन आप सबसे अपील जरूर करना चाहता हूं, उनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा कर देना, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके देना, और हमारे सांसद और हमारे केंद्र में मंत्री कौशल किशोर जी को मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से 1,00,000 से अधिक वोटों की लीड दिला करके। कर लोगे 1,00,000 की लीड दिला लोगे? देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं उठा रहे, मुझे शंका में मत डालिए। 1,00,000 पार मलिहाबाद और 5,00,000 पार मोहनलालगंज सुरक्षित क्षेत्र से करवाना है, करा लोगे? मैं मंच से भी अपील कर रहा हूं, सब लोग मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करिए, और जितने भी बड़े काम आपके मन में होंगे, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सपने आपके, समर्पण मेरा है आपके सपनों को साकार करने के लिए। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर जो भी समस्या है वो आप बताओ जी, गारंटी वाली गाड़ी आई थी कि नहीं आई थी? 4 करोड़ से अधिक गरीबों का घर बना है, गरीब का दर्द ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जानेंगे? जिन लोगों ने चांदी के चम्मच लेकर के जन्म ही लिया है उनको गरीबों का दर्द मालूम होगा क्या? जाके पैर न फटी बेवाई हुआ क्या, जाने पीर पर आई, जो कच्चे मिट्टी के मकान में रहता था, बरसात में जब पानी बरसता था, रात में मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत घरों में तो छाता भी नहीं होता था, बोरी ओढ़ करके छत का पानी जहां से टपक रहा होता था वहां बंद करने जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन आज मेरे मोदी जी ने कहा कि हम 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं, अभी 3 करोड़ से अधिक घर हमें और बनाने की शुरुआत 4 जून के बाद करना है, जिनके पास घर नहीं है उनको बना करके देंगे। ये सपा बसपा कांग्रेस वालों ने घोटाला नहीं किया होता तो जो सूची बनी थी, जो देश की जनगणना हुई थी, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें गरीब आदमी को अमीर दिखा दिया गया और अमीर को गरीब दिखा दिया गया, जिन्हें सुविधा मिलनी चाहिए तो उनको सुविधा से वंचित कर दिया गया। आप विश्वास रखना मोदी जी इस देश में, और इसलिए मैं कहा करता हूं घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबाने का काम करना है, कमल खिलाने का काम करना है। विकास योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत होती, लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठ करके नहीं आएंगी, ना हाथी पर बैठ करके आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए आप सब लोग कमल खिलाने के लिए तत्पर हो जाइए। ध्यान रखना जिस दिन 400 पार होगा ना, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराएगा। आज गोली का जवाब गोला से दिया जाता है, आज वह हिंदुस्तान बनकर के तैयार हुआ है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है या स्ट्राइक भी कर सकता है। पहले अमेरिका का दुश्मन कहीं भी छिपा हो वह वहां घुस करके मारता था, लेकिन अगर आज भारत का दुश्मन कहीं छिपा है तो भारत भी दुश्मन के घर में घुस करके मारने की ताकत रखता है। कि आप सबके द्वारा जो कमल के बटन को दबाया गया है उसकी ताकत है मित्रों। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखना 400 पार 4 जून 4 बजे 400 पार देखना। यही श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और ये जो बसपा वाले कौन है मुझे यहां मालूम भी नहीं, नाम भी नहीं मालूम है, आप ध्यान रखना ये गिरगिट की तरह सब रंग बदलने वाले हैं, जो आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद निमंत्रण मिला कि आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, निमंत्रण ठुकरा दिया। जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया है उनको आप ठुकरा देना, ये मैं आपसे कहने जा रहा हूं। और आप देख लेना 400 पार होने के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि हो चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम हो, कार सेवक बनकर के कांवड़ियों का ड्रेस पहन करके ये जल चढ़ाने के लिए ये पहले जाते थे क्या मंदिर में? कहीं किसी मंदिर में जाते इनको देखा था 2014 से पहले क्या? लेकिन अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये वोट के लालची लोग हैं और वोट के लालच में ये दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण काट करके धर्म के आधार पर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इन लोगों ने जहां कांग्रेस की सरकार वहां पिछड़ों का आरक्षण काट करके 4% आरक्षण
अलग से मुसलमानों को देने का काम करने का कार्य किया, वो तो धन्यवाद देता हूं मैं देश की सर्वोच्च अदालत का, उस पर रोक लगा देने का काम किया। माननीय मोदी जी ने कहा है आप सबके लिए कि मेरा प्रणाम भी कहना और मेरा निवेदन भी करना कि 370 वोट हर बूथ पे बढ़ा देना। बढ़ा दोगे ना? मुझे आपको बुलाना भी है, आपको मुझे भी बुलाना है, दोनों बातें याद रखना। बातें बहुत है लेकिन मैं बहुत बातें नहीं करूंगा। आप सब कार्यकर्ता यहां मेरे पास सूची में बूथ के अध्यक्षों को खड़ा करना चाह रहा था, सारे बूथ अध्यक्ष आए हुए हैं, देख लेना मैं बूथ नंबर नाम ले लूंगा, फिर उसमें अगर नहीं खड़े हुए तो फिर नाम कट जाएगा, ध्यान रख रहा हूं। नाम ले लूं बूथ का, मैं ककोरी मंडल में जा रहा हूं, ठीक है? आप बताइए 342 नंबर के बूथ अध्यक्ष कहां है? क्या बात है, अभिनंदन ताली बजाओ। ओम प्रकाश कश्यप जी, ठीक है, बहुत अच्छे ककोरी मंडल। मैं और सब हिसाब आपसे नहीं पूछूंगा, 370 पार करना है, मालूम है ना आपको अपने बूथ पर। मलिहाबाद मंडल के जो हमारे सब बूथ अध्यक्ष आए होंगे, उन बूथ अध्यक्षों में से मैं बूथ संख्या 170, बूथ संख्या 170 मलिहाबाद मंडल, कहाँ है भाई श्री हरि राम जी? नाम लिख लेना जिलाध्यक्ष जी, प्रभारी जी, और 175 नंबर बूथ संख्या मलियाबाद का ही 175 नंबर संतलाल रावत जी हैं। ताली बजाओ भाई संतलाल रावत जी के लिए। अब मैं तीसरे मंडल में प्रवेश कर रहा हूं, हमारा माल मंडल है ना, माल मंडल में 25 नंबर बूथ है, 25 नंबर बूथ कहाँ है राजेंद्र कुमार जी? कहाँ? अच्छा, जरा जैसे पूरा हाथ उठाओ ना, इसे विक्ट्री वाला निशान बना करके। हाँ देखो, आप ही सब अपने अपने बूथ के प्रधानमंत्री हो, ध्यान रखना, भाजपा का मालिक बूथ अध्यक्ष होता है, इसलिए बूथ अध्यक्ष हमारा सर्वे सर्वा है। और जो आज बूथ अध्यक्ष है वो आने वाले समय में जिला अध्यक्ष बन करके इधर बैठा होगा, कोई क्षेत्र अध्यक्ष बना होगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बना होगा, कोई विधायक बना होगा, जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं बूथ अध्यक्ष रह चुके तब जिला अध्यक्ष बने हैं, तो ये ध्यान में रखना। रहीमाबाद मंडल के हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं, जरा उसमें से हमारे 91 नंबर बूथ के श्री उदयवीर प्रताप सिंह है, वाह ताली बजाओ भाई। मैं तो सिंपल निकाल रहा हूं कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं कोई, इसे बीच में निकाल रहा हूं। इसका मतलब है कि आप सब लोग एक बूथ के अध्यक्ष जी नहीं आए, उनका पता कर रहा, कोई विशेष कारण से नहीं आए हैं तो पता करके उनका समस्या को जानना, और अगर जानबूझ करके नहीं आए तो जरा मुझे भी बताना, मुझे ना आए 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 थे काम के लिए चले गए। अच्छा, बारात रात थी का? तो न्योता उतार दिए नहीं यार, हमको बता देना वो अध्यक्ष जी से। चलो सभी आप सब कार्यकर्ता मित्रों को, सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के जो हमारे कार्यकर्ता साथी, जो मंडलों के प्रभारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, मेरे मित्रों पूरी ताकत लगा करके चुनाव में लगना। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप जो सोचोगे बूथ अध्यक्ष के नाते, आप अपने बूथ में जो वादा करोगे, डबल इंजन सरकार के ताले की चाबी आपके पास है, विश्वास रखें। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार, दोनों सरकार का खजाना खुला रहेगा, और जो 370 प्लस जो पिछली बार वोट मिला, ध्यान रखना केवल 370 प्लस नहीं, हिसाब समझ लेना मेरी ओर से, पिछली बार जितना मिला था उसमें 370 प्लस हो करके आपको लाना है, और जो बूथ अध्यक्ष ये करके लाएंगे उस बूथ की समिति का विशेष अभिनंदन का कार्यक्रम कहां रखना है ये आप लोग तय कर लीजिएगा, पहले मुझे बुलाइएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा, ध्यान रखना मैं आपको भी बुलाऊंगा लेकिन पहले मैं आऊंगा, क्योंकि आम का सीजन फिर खत्म हो जाएगा आपके चुनाव के तत्काल बाद, कब तक रहेगा?
जुलाई तक रहेगा। तो चलो बरसात में कभी कहो किनके यहाँ, प्रमोद जी के यहाँ कहाँ गए थे एक बार आम खाने? अच्छा आप क्या गए थे? पिछली बार हमको कई बार कहे लेकिन हम आ नहीं पाए थे, लेकिन बहुत सब आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को आपने खत्म किया कमल का बटन दबा करके, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया कमल का बटन दबा करके, देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया आपने कमल का बटन दबा करके। मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी पर भरोसा है, सपा बसपा कांग्रेस धोखा है, ये ध्यान रखना। और मैं कहूं कि अगर पूरे देश में बज रहा है मोदी जी का डंका, सपा बसपा कांग्रेस की जल रही है लंका। ये विश्वास के साथ आप सब लोग आगे बढ़िए। इनके जो विरोधी लोग हैं, चाहे हमारे बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया और कांग्रेस खत्म हो गई। अब ये जितने भी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग विपक्ष की ओर से किया जाए, उनकी गाली का जवाब गाली से मत देना, उनकी जमानत जब्त करा करके देना, कमल खिला करके देना। यही आप सबको विनती करके, बहुत सारी बातें आज मैं भाषण नहीं किया हूं, हम सब संगठन के कार्यकर्ता, मैं भी बाल्य अवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर के भाजपा के काम तक की जो जिम्मेदारी है, एक ही गीत हम लोग गाते हैं, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, भला हो जिसमें गरीब का, भला हो जिसमें किसान का, भला हो जिसमें मेरी माताओं बहनों का, भला हो जिसमें मेरे नौजवानों का, वह काम सब किए चलो। इस लक्ष्य को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस उम्र में जितना काम कर रहे हैं, बताइए उनके बराबर कोई नौजवान भी काम कर रहा है क्या? नहीं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मेरे प्रधानमंत्री जी का यही रहता है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की जनता, देश मात्र में भारत माता, मैं तुम्हें कुछ और भी करके दूं, जिसका यह लक्ष्य हो। आज हमको गर्व होना चाहिए, अगर देश का नया संसद भवन बना तो उस संसद भवन में सबसे पहले किस चीज का लोकार्पण हुआ? सम्राट अशोक की उस लाट का लोकार्पण मेरे प्रधानमंत्री जी ने किया, जो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भारत की सीमाओं का कहां तक विस्तार किया था, वह सब आप इतिहास के पन्नों को पढ़े होंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलने वाला स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई नेता मिला है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर के जिसने कहा हो कि हमने संसार को युद्ध नहीं दिया है, भगवान तथागत गौतम बुद्ध दिया है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ऐसा नेता हमें मिलेगा? पूरे दुनिया का कोई नेता हो, मैं गीत के रूप में कहा करता हूं कि एक गीत मैं नहीं कहता हूं, एक फिल्म का कोई गीत मुझे सुनने को मिल गया था, आजकल सोशल मीडिया में सब मिल जाता है ना, उसमें मिला था, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, लेकिन मेरा मोदी वो मोदी है जिसके पीछे संसार खड़ा चला। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? आपके मंत्री जी भी उसमें थे, स्वागत में थे ना कौशल जी, स्वागत में पूरे दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आए थे, लेकिन मेरे मोदी जी के पीछे पीछे सब चल रहे थे, मेरा शेर आगे आगे चल रहा था। ये सम्मान मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान देश की 140 करोड़ जनता का है, ये सम्मान मेरे बूथ अध्यक्षों का है, बूथ समितियों का है, एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। ऐसा दृश्य देखने के लिए जीवन बीत जाता है, नहीं देख पाते। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य, जैसे महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहे थे कि एक चिड़िया को पेड़ पे लटका करके, सभी उनके बहुत शिष्य थे, सबसे पूछा किसी को पेड़ दिखाई दे रहा, किसी को डाल दिखाई दे रही, किसी को चिड़िया दिखाई दे रही, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। मैं आप सबसे ही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, हमें भी अपने बूथ में कमल के फूल से लबालब ईवीएम मशीन चाहिए, जब वोटों की गिनती हो तो केवल आपकी नहीं मेरी भी छाती चौड़ी हो जाए, मैं आप सब अपील करना चाहता हूं।
हमारा नेतृत्व आपका सर ऊंचा रखने का काम करता है। मेरे पास भी जितनी ताकत होती मैं आपका भी सर ऊंचा करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरा भी सर ऊंचा करने का काम करोगे। आज से जिम्मेदारी लेकर के अपने अपने बूथ में जाओ। इतना ही निवेदन करके आप सबको करता हूं सादर प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय।